वी हैव टू डिफ्रेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स। अब हम इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल से भी बना सकते हैं, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आगे जो भी एक्सपांशन होगा उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो स्टेप्स कम होंगे, आसानी होगी। तो प्रोडक्ट रूल जैसे आप देखते हो, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट लेंगे और टेन इनवर्स एक्स को सेकंड ले लेंगे। क्वेश्चन को वाई के इक्वल लिए हमेशा की तरह लिखे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशिएशन मीन y की पूरी वैल्यू लिखे यहाँ पे, बड़ा ब्रैकेट लगा दो एक पूरा टर्म। नाउ अरेंज इट इन अबव पैटर्न, ऊपर फॉर्मूला में अरेंज करिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब रिजल्ट लिखेंगे तो d बाई डी एक्स लिखना बंद करेंगे, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर फर्स्ट फंक्शन भी वही था इंटू में, तो ऊपर नीचे कट गया, बचा यहाँ का 1। टेन इनवर्स एक्स प्लस और माइनस से जो टर्म्स होते हैं वो अलग अलग टर्म्स हैं, इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन होता है। अभी कांस्टेंट टर्म है बिना एक्स वाला, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस एक्स के पावर वाले जितने भी क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर एन फार्मूला से सॉल्व होता है, यहाँ एन एक्स एन माइनस 1 तो 2x टू दी पावर बचेगा 1, तो 2x लिखेंगे, 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स, इसको सामने इंटू में लिखिए, इंटू टेन इनवर्स एक्स, यहां कटने के बाद बचा था 1, अब ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है।